वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए फेसबुक लिंक्स के लिए और रेसिपी के लिए, और बाकी यमी फूड पर क्लिक कीजिए मेरी सारी वीडियोज़ देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग, क्या हाल अहवाल हैं आप लोगों के। आज हम आपके लिए बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त, पेशावर की फेमस रेसिपी, गोश्त से रिलेटेड, बहुत ही झटपट और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग को पसंद भी आएगी। अच्छा, पैन मेरा हीट हो गया है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी, जो जो ऐड करते जाएंगे हम डालते जाएंगे बताते जाएंगे, जो होमवर्क हमने करके रखा है वो भी आपको बताते जाएंगे साथ साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये मेरे पास मटन है 250 ग्राम, मैंने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़े से सॉल्ट के साथ बॉईल कर लिया है। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसको, इसका जो स्टॉक बचा है वो मैंने अलग से रख लिया है हाफ कप के करीब दही। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट हो रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ घी, ज़्यादा अच्छे अरोमे के लिए आप लोग इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं और बटर इसमें जाता भी है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन यूज़ किया है 1/4 कप। इसको हीट कर लेते हैं, झटपट बनती है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल रोगन पे भुनी भुनी सी रेसिपी ये बनती है। ऑयल हीट होने लगेगा तो हम इसमें अपना जो हमारा बॉयल मटन है वो ऐड करेंगे। घी के अंदर हमने अपना बॉयल मटन ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। वैसे तो मैंने मटन को अच्छे से बॉईल कर लिया है तो इसमें हीट आने का तो खैर सवाल है ही नहीं। मटन के हिसाब से लोग ये बातें करते हैं कि हीट आती है, स्मेल आती है, तो बेहतरीन ऑप्शन जो मैं मटन बीफ कुछ भी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसको एक दफ़ा बॉईल कर लेती हूँ और उसका जितना भी पानी होता है वो वेस्ट कर देती हूँ और उसको रीवॉश कर लेती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो इसकी जो आप लोग कहते हैं कि बैड अरोमा कह लें जो आता है एक अच्छा, तो वो निकल जाता है और स्मेल जो आप लोग कह रहे हैं वो भी इसकी निकल जाती है। मैं तो बीफ के साथ भी यही अमल करती हूँ और इसके साथ तो मैंने ख़ासकर यही अमल किया है। इसको अच्छा सा मैंने बॉईल करके और इसका सारा पानी फेंक दिया, फिर इसको दूसरे साफ पानी में वॉश करके दोबारा से चढ़ाया 1 से 1.5 कप पानी के अंदर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हमने इसको चढ़ा दिया था। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा, फ्राई होने लगे तो मैं इसमें फ़ौरन डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मेरे पास हैं 2 दरमियाने साइज के, अगर बड़े साइज का है तो आप इसमें 1 टमाटर यूज कर सकते हैं। ओके, इसको कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। टमाटर जब भी आप किसी भी चीज़ में ऐड करें उसको कवर करके लाजमी छोड़ें, और बेस्ट टिप है टमाटो को जल्दी से गलाने के लिए और वो मतलब दानेदार फॉर्म में ना रहे उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप उसे पील ऑफ करें। अच्छा सा पील करने के बाद उसको रिंग्स में काटें, जैसे मैंने काटा, लेट मी शो यू, ये देखें इस तरह से रिंग्स में इसको काटें तो ये जल्दी से गलते हैं और बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, किसी भी चीज़ में आप टमाटर ऐड कर रहे हैं, मेरी काफ़ी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा टमाटर का यूज़ मैंने किया है, तो मैंने आप लोग को बताया है कि इस तरह से यूज़ होगा। 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोग को बताती चलूँ कि मैंने ये ग्रीन चिलीज ली हैं 5 to 6 और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, नथिंग है।
मैंने आप लोग को शादी चप्पी कबाब भी बताए थे और उसका फीडबैक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया, लोगों ने पसंद किया और ट्राई किया। ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब आप लोग ट्राई करते हैं, अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है। ओके जी, नाइस अरोमा, अभी तो हमने इसमें कोई ज़्यादा ही नहीं है और इसका इतना अच्छा अरोमा आ रहा है। ये देखें टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए, फिर जितना मिनट ये इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज। अच्छा, सॉल्ट मैंने इसमें पहले डाला था तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी बस। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बॉयल करते वक्त सॉल्ट डाल चुके हैं तो बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो हाफ आप उस वक्त ऐड कर लें और हाफ आप इस वक्त ऐड कर लें ताकि मसाले में भी अच्छा सा सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। ओके, मेरे पास ब्लैक पेपर है इसका मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं अच्छा सा। भूनने के बाद अब नमकीन गोश्त में जो होता है मेन फ्लेवर वो सॉल्ट का होता है, बटर का होता है। अगर बटर नहीं है उस वक्त आपके पास और बटर एसेंस पड़ा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और बेहतरीन नतीजे के लिए बम्बे का गोश्त यूज कीजिए। आप लोग को पता है तुर्किश फूड में भी बम्बे का गोश्त बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत खाया जाता है और लोग इंजॉय करते हैं तुर्किश फूड को। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा अच्छी तरह से ये भुन गया है। आप देखें टमाटर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे, देखें बिल्कुल टमाटर भी अच्छी तरह से पेस्ट हो गए, चंकी चंकी नहीं है। तो ये अच्छी तरह से आपका भुन जाए तो आपने इसमें ऐड करना है इसी का स्टॉक, हाफ कप के जितना, क्योंकि मैंने इसे फुल डन नहीं किया था मटन को। अगर मटन फुल डन में कर लेती तो जाहिर सी बात है जो हमने स्पाइस डाले हैं, जो घी डाला है, जो मिर्चें डाली हैं, उसका फ्लेवर जो हमारे पास आएगा वो नहीं आ पाता। अब इसके साथ हम इसको डन करेंगे, इसको कवर करके थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि इसका ये जो स्टॉक है ये ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से और ये अच्छा सा कुक हो जाए, फिर हम आपको इसको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक और इसकी प्रेजेंटेशन। झटपट तैयार होने वाली ये डिश है, ये रेसिपी है। मैं तो चाहूंगी आज ही आप लोग इसको फौरन ट्राई करें। मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर मैं इसको भूनूंगी और इसका आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। मेंबर्स भी देखिए इसका बिल्कुल सॉस सारा ड्राई हो गया है। अब इसको हम जस्ट फॉर मिनट भूनेंगे और ये डन है। आप चाहें तो ज़रा सी ग्रेवी रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें ग्रेवी की नीड नहीं है। कवर करके ही मैं इसको बस थोड़ा सा कुक कर रही हूँ। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्टॉक मैंने डाला था उसमें से क्वार्टर कप या क्वार्टर से थोड़ा कम आप बचा के रख लें और जब भून लें तो उसके बाद उससे उसकी ग्रेवी बना लें। पानी प्लीज़ इसमें ऐड नहीं कीजिएगा आप लोग। जी ये बिल्कुल डन है, अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको हम गार्निश करेंगे। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है और ये तो वैसे भी बॉयल था पहले से, हाफ डन हुआ हुआ था। तो मैं ऑफ कर रही हूँ फ्लेम को, कवर करके इस पर छोड़ देते हैं थोड़ी देर, इसका रोगन उतर जाएगा। जी व्यूवर्स, देखिए माशाल्लाह से डन है हमारा बहुत ज़बरदस्त वाला पेशावरी नमकीन गोश्त और मैंने